यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा, बाबा खाटू श्याम हमारा। बाबा श्याम हारे का सहारा, लखदाता खाटू श्याम जी नीले घोड़े का सवार, मोरे नंदन खाटू नरेश और शीर्ष का दानी, जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, खाटू श्याम मंदिर उतना ही रोचक और इनका इतिहास भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। आज फिर आपके बीच एक और ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर की कहानी और इतिहास लेकर आपके बीच घूमो जी का नया एडिशन। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीर्ष के दानी के नाम से क्यों जाना जाता है, कौन है खाटू श्याम जी और कैसे बने बाबा श्याम, इनके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, चलिए आज आपको बताते हैं खाटू श्याम जी की कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है यह श्री श्याम जी का मंदिर। भगवान कृष्ण के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है यह मंदिर। खाटू श्याम जी के इस मंदिर की हिंदू भक्तों में बहुत ज्यादा मान्यता है। यहां हर वर्ष लाखों भक्त बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। खासतौर पर फरवरी से मार्च के बीच यहां लगने वाले मेले के अवसर पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण यहां के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर के द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत के समय का है। चलिए बात करते हैं संक्षेप में इस मंदिर के इतिहास की। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण किया था और सौभाग्यवश वे उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडंबनी के साथ रहता था। तब उन्हें मनुष्य यानी कि पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी बहन से बोला कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। वे अपने भाई का आदेश पालक कर वे वहां चली गई, जहां पास ही पांडव द्रौपदी सहित सो रहे थे। भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडंबनी उन पर मोहित हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। खाटू श्याम से जुड़ी इस संक्षेप सी कहानी को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खाटू श्याम का प्रसिद्ध मंदिर का इतिहास बड़ा लंबा है, जो आपको हम अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर हम पूरे इतिहास को अभी हम आपको बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। अब बात करते हैं कि खाटू श्याम जी मंदिर के द्वार पर आप कैसे जा सकते हैं। सड़क मार्ग से खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए आपको किसी भी राज्य की बस सेवा मिल जाएगी, जो आपको रिंगल बस स्टैंड तक लाएगी। यहां से आपको टैक्सी या जीप आसानी से मिल जाएगी, जो आपको सीधे मंदिर तक लेकर जाएगी, या फिर आप अपने निजी वाहन से भी यहां आएंगे तो यहां का राष्ट्रीय राजमार्ग 11 देश की राजधानी दिल्ली से पूर्णतया जुड़ा है। यहां से आसानी से मंदिर तक आप अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। खाटू श्याम जी का अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो रेलवे स्टेशन रिंगस है, जो कि मंदिर से लगभग 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको यहां से भी जीप और निजी टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप लोग हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जयपुर आना होगा। यहां से भी आपको बस टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जो आपको खाटू श्याम जी लेकर जाएगी। आपको हमारी द्वारा इस दी गई वीडियो में बाबा खाटू श्याम जी के बारे में जानने में कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जय बाबा श्याम जरूर लिखें और अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ऐसे ही देखते रहिए प्राचीन इतिहास मंदिरों का घूमो जी के साथ।